नाम इनका रखा मैंने हार्दिक हार्ड हिटिंग पंड्या, लेकिन भैया ये बजा रहे हैं डंडिया। सिर्फ बल्ले के साथ नहीं, गेंद के साथ भी ये भारतीय टीम के बन जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट पिलर, क्योंकि जब नहीं करते गेंदबाजी तो फिर गेंदबाज रह जाते हैं पांच, विराट कोहली के हो जाता है सर में दर्द, हम सब करते हैं चर्चा कहां गए ऑलराउंडर्स। तो अगर भारतीय क्रिकेट के वर्तमान को और आने वाले भविष्य को देखें तो आप पाएंगे कि हार्दिक पंड्या इज फास्ट बिकमिंग इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर इन वाइट बॉल क्रिकेट। क्रिकेट आकाश में आपका स्वागत है। और वैसे बाय द वे ये तो मैं आपको कहानी बताने वाला हूँ, हार्दिक पंड्या के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं आज, पर आपसे एक सवाल पूछता हूँ और सवाल मैं हमेशा पूछता हूँ, वो ये है, मतलब हमेशा नहीं पूछता, कभी कभी पूछता हूँ, पर सवाल ये है कि बुमराह या हेजलवुड चूज करिए आप। अब किस लिए? आप इसलिए चूज करिए कि इनमें से कौन ज्यादा विकेट चटकाएगा। चार टेस्ट मैच की सीरीज शुरू होने वाली है ऑस्ट्रेलिया में, जिसमें से एक पिंक बॉल टेस्ट मैच भी होगा। बुमराह के प्रदर्शन देखें पिछली बार तो कमाल का था, हेजलवुड के लिए पिचेस मुझे लगता है बिल्कुल अनुकूल है और ये दोनों गेंदबाज सुपर कूल हैं, मतलब वैसे आग बरसाते हैं पर हैं सुपर कूल। यू गेट द ड्रिफ्ट, प्ले मी ऑन वर्सेस गेम डॉट कॉम, और वो आप किसी भी अपने मोबाइल ब्राउजर पर खेल सकते हैं, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो फिर कम प्ले मी एंड विन विन विन, मतलब एक्चुअल कैश यू कैन विन। एनी हाउ चलो फटाफट सब हार्दिक पंड्या की करते हैं कहानी की बात, क्योंकि हार्दिक पंड्या कौन है? देखिए हार्दिक पंड्या ही स्टार्टेड एज समवन जो अच्छी बड़ी शॉट लगा सकते थे और ज्यादातर स्पिन के खिलाफ लगाते थे। ये इस बल्लेबाज की कहानी थी कि स्पिन के खिलाफ छक्के 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 एक ओवर में पांच पांच छक्के वाली कहानी थी इनके पास। लेकिन फास्ट बॉलिंग के सामने ऐसा लगता था कि हार्दिक को आप खामोश रख सकते हैं, मतलब वो जो हार्ड हिटिंग नहीं होते थे बीच में, सिर्फ हार्दिक पंड्या रह जाते थे और स्पिन के सामने वो हार्ड हिटिंग पंड्या बन जाते थे। वेल डन, पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट है तो ऐसे तो चल नहीं सकता, लेकिन साथ में गेंदबाजी करते थे और गेंदबाजी भी शुरू में आपको लगता था कि क्या ये पांचवें गेंदबाज बन सकते हैं, छठे गेंदबाज बन सकते हैं, टीम ने इनको पांचवा गेंदबाज बनाया, टेस्ट मैच में भी खिलाया, उन्हें वहां पर भी रन बनाए, लेकिन गेंदबाजी जो थी ना वो शुरुआत में ओके 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 ओके, और आप यू सी दैट देयर इज वर्क इन प्रोग्रेस। बैटिंग में देखो तो लगता था कि ये इस वाले डायमेंशन के प्लेयर तो हैं, लेकिन वो वाला रोल अदा नहीं कर सकते। ये वाला रोल जो मैं कह रहा हूँ ये है फिनिशर का रोल, बड़े ताबड़तोड़ विस्फोटक प्लेयर का रोल, बट सामने स्पिनर्स हो तो एकदम अनबिलीवेबली डिस्ट्रक्टिव प्लेयर, सामने पेस बॉलर हो तो फिर ये जो दूसरा वाला रोल है कि अगर फास्ट बॉलिंग होगी तो कैसा खेलेंगे, चार जल्दी आउट हो गए तो कैसा खेलेंगे, क्या ये वहां पर उस प्रकार से खेल सकते हैं कि ये मिडिल ऑर्डर प्लेयर बन जाए, ये लोअर ऑर्डर ना रह जाए। तो वो दोज वर द फ्यू थिंग्स दैट वी वर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट। पर अब जो हमने देखा है पिछले कुछ समय से इस खिलाड़ी का, जो हमने कद बढ़ते देखा है, आई थिंक इट्स हार्टनिंग टू सी, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि ऑलराउंडर जो है ना ये, मतलब भारत एक खोज, एक पहले प्रोग्राम आता था दूरदर्शन के ऊपर, शायद आपने देखा हो, शायद आपके पापा मम्मी ने देखा हो, और वहां से ऐसा लगता था कि हम ना सिर्फ खोज ही रहे हैं, कपिल पाजी आए और कपिल पाजी के बाद हम दूसरे कपिल पाजी को ढूंढते रहे, भाई दूसरे कपिल पाजी कहां से आएंगे, पर उनके इर्द गिर्द आने वाला कोई भी आता था ना तो हम कहते थे क्या गेंदबाज है, क्या ये क्या ऑलराउंडर है, मजा आ गया। पर वो वाला कैलिबर, वो वाला पोटेंशियल, वो वाला परफॉर्मेंस वो किसी से कंसिस्टेंटली बहुत लंबे अरसे तक नजर आया नहीं, इसलिए आज भी हम स्ट्रगल करते रहते हैं कि ऑलराउंडर। और अभी देखें तो और भी हालत खराब है, क्योंकि हार्दिक पंड्या के अलावा आपको कोई ऑलराउंडर दिखता ही नहीं है। पर इसके बीच में हार्दिक ने क्या किया, देखिए हार्दिक ने अपने खेल में बदलाव किया कि ऑलराउंडर तो मैं हूं, पर जब से लगी कमर में चोट तो उनको समझ में आ गई कि अब कुछ बदलना पड़ेगा, खेल को अपने बदलना पड़ेगा। और बदलते किस प्रकार से गए, उन्होंने जो भी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हुई उससे पहले का भी अगर देखें, एंड आई हैव गॉट सम नंबर्स टू शेयर। अगर आप हाईएस्ट स्ट्राइक रेट की बॉलिंग बल्लेबाजी की बात कर ले तो 32 का औसत इनका अभी भी है, एक दिवसीय क्रिकेट की बात कर रहा हूं पिछले दो साल की, और उसके अंदर जो इनका हाईएस्ट स्ट्राइक रेट 112 के स्ट्राइक रेट पर पिटाई करते हैं, 32 के औसत से रन बनाते हैं, 92 नॉट आउट इनका हाईएस्ट जो आया था अभी ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया में जब आया था तो उन्होंने क्या सिखाया था, देखिए रन्स बाकी लोगों ने इनसे अब ज्यादा बनाए हैं, लेकिन अब की उन्होंने ये सिखा दिया कि अगर आप मुझे चार पे या पांच पे भेजो ना टेंशन मत लो, मैं कर लूंगा, मैं सिर्फ स्पिन के खिलाफ नहीं मारता, मैं फास्ट बॉलर्स की भी उतनी ही पिटाई करता हूं। द मैच्योरिटी दैट यू सी इट्स अनबिलीवेबल, क्योंकि अपना स्पिन के साथ वो खड़े रहते हैं, ये तो कोई बात नहीं, मैं सिचुएशन को खेलूंगा, मैं गेंदबाज को नहीं, पहले ये सिचुएशन को नहीं गेंदबाज को खेलते थे, जैम्पा आया, नेथन लायन आया, कोई और स्पिनर आया, शादाब खान आया, भागो भैया, क्यों? क्योंकि एक तो भागना चाहते थे, दूसरा फास्ट बॉलर के खिलाफ थोड़ा सा फंस जाते थे, तो फिर कई बार आपके ना हाथ बंधे होते हैं। अब की चूंकि कॉन्फिडेंस इतना और खेल में इतना सुधार आ चुका है कि स्पिन कोई बात नहीं, 37वां ओवर है नहीं मारूंगा मैं, 45वें ओवर में मारूंगा, जाने दो जैम्पा को, कहीं और खोलेंगे हम कैंप पर, दैट्स द क्वालिटी दैट दिस गाय हैज नाउ। ये एक बहुत फर्क आया इनके खेल के अंदर, स्ट्राइक रेट तो अभी भी वही है,
वन ऑफ द बेस्ट, इनफैक्ट दी बेस्ट व्हेन वी टॉक अबाउट टीम इंडिया. पर जो खेलने का अंदाज बदला है, जो मैच्योरिटी हुई है, जो खेल में जो बल्लेबाजी का सॉफ्टवेयर अपडेट और अपग्रेड हुआ है, ही इज बीन एब्सोल्युटली सेंसेशनल. और टी ट्वेंटी आई की तो कहानी और भी मजेदार है, क्योंकि टी ट्वेंटी आई आई थिंक ही इज आवर लाइक परहैप्स नंबर वन मैच विनर. क्योंकि टी ट्वेंटीज में ना अंत बहुत इंपॉर्टेंट होता है. शुरू तो आप जैसा भी कर लीजिए, अंत आपको कंसिस्टेंटली अच्छा करना पड़ता है. और मतलब किस दिन अच्छा करना पड़ता है, लेट्स बी फेयर, जिस दिन रोहित अच्छा खेले टेंशन नहीं है, कोहली अच्छा खेले टेंशन नहीं है, पर जिस दिन वो आउट हो जाएंगे अंत में कौन आएगा फिर? वो अंत वाला जो है ना, जिस दिन वो खेलते हैं तो भी अंत में चाहिए होता है, जिस दिन वो नहीं खेलते तो अंत में कुछ ज्यादा चाहिए होता है. और इनके कुछ आंकड़े मैं बताता हूँ आपको. हाईएस्ट स्ट्राइक रेट की बात करें टी ट्वेंटी क्रिकेट के 19 मुकाबले पिछले दो साल में 167 का इनका स्ट्राइक रेट है, 167 विद अ वेरी हेल्दी एवरेज ऑफ 31. तो कंसिस्टेंटली रन बना रहे हैं, 31 का औसत ऐसे नहीं होता, और 167 के स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं. दैट्स द क्वालिटी दैट इज ब्रिंगिंग टू द टेबल. मुझे तो बार बार लगता है कि इनको आप नंबर 4 नंबर 5 पे रखिए और नंबर 6 पे रखिए जड्डू को. और उस प्रकार से आप इनको मतलब इनके इर्द गिर्द ना वो अपना 10 ओवर के बाद का खेल हार्दिक पंड्या के इर्द गिर्द घुमाइए. ही शुड बी द सेंटर ऑफ दैट लिटिल यूनिवर्स. वो जो 11-12 से 20 ओवर तक का जो खेल है, हार्दिक पंड्या शुड बी इन द मिडिल ऑफ इट. मतलब इधर उधर बिल्कुल ना जाए, इनके इर्द गिर्द आप खेल बनाएंगे तो मजा आ जाएगा. हालांकि एक बात जरूर है कि देखिए, जो भी अच्छे फिनिशर्स होते हैं, बड़े फिनिशर्स होते हैं और लंबे अरसे तक रहते हैं, उनको साथ जरूर चाहिए होता है. जड्डू के साथ रॉबिन सिंह हुआ करते थे, धोनी के साथ युवराज सिंह हुआ करते थे, और हार्दिक पंड्या इस समय थोड़ा अकेले हैं. तो एक और आप ऑलराउंडर नहीं, एक फिनिशर को ढूंढ रहे हैं. अब कौन हो सकता है वो क्या ऋषभ पंत हो सकते हैं, क्या वो रविंद्र जाडेजा हो सकते हैं, क्या फिर केएल राहुल वो फिनिशर हो सकते हैं कि जब रोहित आएंगे तो वो ओपन करेंगे, क्या केएल राहुल वो रोल अदा कर सकते हैं? सो फ्यू ऑप्शंस आर देयर, बट दे नीड टू फायर अलोंग विद हार्दिक पंड्या. बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मतलब सबसे बड़ी जो बात है जो कि बैलेंस प्रदान करती है, आप इनको 5 पे तो खिला लोगे बतौर बल्लेबाज, और गेंदबाजी का क्या यार. और गेंदबाजी में ना बदलाव आया है इनके, आई हैव गॉट सम नंबर्स फॉर दैट एज वेल. अगर हम ओडीआई क्रिकेट में गेंदबाजी की बात करें तो पिछले 2 साल में बहुत ज्यादा गेंदबाजी नहीं की है, इट्स अ फैक्ट, पर जितनी की है 24 विकेट इन्होंने चटकाई है 5.5 के इकोनॉमी के साथ. 26 पारियां 24 विकेट, नॉट बैड. 5.5 का इकोनॉमी फैंटास्टिक, बिकॉज योर टीम सिक्स्थ बॉलर नॉट फिफ्थ बॉलर. तो अगर जिस दिन भी ये थोड़े से भी ओवर डालने लग जाएंगे ना, उस दिन भारतीय टीम के पास तरकश में इतने सारे तीर हो जाएंगे कि ये टीम बहुत सुदृढ़ नजर आने लगेगी. इस टीम के अंदर बहुत सारी चीजें सही है दोस्तों. अगर आप ओपन की बात करें, नंबर 1, 2, 3 रोहित, शिखर और विराट कोहली. रोहित से बेहतर 3 दोहरे शतक है इस दशक में. शिखर धवन इज मिस्टर आईसीसी. यू गॉट कोहली नंबर 3 पे. इनसे बेहतर खिलाड़ी मतलब एक दिवसीय क्रिकेट में इनसे बेहतर खिलाड़ी कोई है नहीं. टी ट्वेंटी में भी अगर आप देखेंगे तो इनके आंकड़े एकदम ऊपर ही हैं, इनकी एवरेज बहुत कमाल की रहती है. तो नंबर 3 पे जो काम करने वाला है वो कोहली से बेहतर नहीं मिलेगा, जो ओपन करने वाला वो रोहित से बेहतर नहीं मिलेगा. केएल राहुल अभी भी आपके पास मौजूद हैं. गेंदबाजी में आपके बुमराह, शमी, चहल, जाडेजा और कुलदीप यादव, वॉशिंगटन सुंदर, यू गॉट वरुण चक्रवर्ती, नटराजन और दीपक चहर में से आप किसी को खिला सकते. तो टीम लुक्स वेरी गुड यार. इट्स जस्ट दैट नंबर 4, 5, 6 में 6 पे मैं जड्डू को रखना चाहता हूँ, 5 पे मैं रखना चाहता हूँ हार्दिक को, और टी ट्वेंटी में नंबर 4 पे भी थोड़ा सा मैं आई टॉय विद दैट आइडिया. और एक और खिलाड़ी इसके बीच में कहीं आपके पास सेट हो जाए तो कहानी और भी मजेदार नजर आती है. पर चूंकि ये जो आज का जो वीडियो था ये मैंने डेडिकेट किया था हार्दिक हार्ड हिटिंग पंड्या को, तो वहीं पे मैं कहानी करता हूँ समाप्त की. जिस प्रकार से इनका जो ग्राफ है इनके करियर का, जिस तरीके से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जिस मैच्योरिटी के साथ आगे चल रहे हैं, जिस अंडरस्टैंडिंग के साथ ये खेल को खेल रहे हैं, जिस तरीके से सिचुएशन को पढ़ रहे हैं और रिएक्ट कर रहे हैं, आई टेल यू माई फ्रेंड दैट ही इज फास्ट बिकमिंग इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर इन व्हाइट बॉल क्रिकेट. और अगर ये चलते रहते हैं, थोड़ी गेंदबाजी शुरू कर देते हैं, बैक इनकी दुरुस्त हो जाती है ना, तो ये भारतीय टीम की रीढ़ की हड्डी बन सकते हैं. दिस इज व्हाट आई फील. आपको क्या लगता है प्लीज बताइएगा जरूर, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा. और मजेदार बात बताऊं, आज मैंने अपनी ओडीआई टीम ऑफ द डेकेड पिक की है, और वो मैंने फेसबुक पे की है और हैशटैग आकाशवाणी में की है. उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है. जब आप वर्सेस गेम से थोड़ा सा फुर्सत आ जाए आपको, आप खेलने मेरे साथ बुमराह या हेजलवुड, प्लीज डू चेक आउट आकाशवाणी ऑन फेसबुक. एंड दैट्स वेयर आई पिक्ड माई 11 ऑफ द डेकेड, माई ओडीआई 11 ऑफ द डेकेड. देखिए आपकी वो मेरे से मेल खाती है या नहीं खाती है, बता दिया. सही बल्ला यानी कि आपकी जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज बैट बनाकर देती है जी बैट. इनफैक्ट दे आर द फर्स्ट वंस इन द एंटायर कंट्री, यानी कि पूरी इंडिया में दे आर द फर्स्ट वंस जिन्होंने किया है बहुत सारा साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड ऑन एल्गोरिथम्स कि भाई आपका बॉडी बैलेंस कैसा है, आपका बॉडी कैसा है, आपका बैलेंस कैसा है, आपका स्विंग कैसा है. नाउ क्विकली गो ऑन, लॉग ऑन टू www.zbats.com और उसमें मिलेगी आपको बहुत सारी डिटेल्स.